मैं एक पर्सनल काउंसलर हूँ, उसका मतलब ये है कि लोग अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास आते हैं। कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन मेरे पास आते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके, जो अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली की बातें होती हैं। और कई बार नेबर्स, हस्बैंड्स, वाइव्स, इन लॉज सब ये बातें करते हैं मेरे से। एक लेडी आई थी मेरे पास जो इतनी डिस्टर्ब थी, मैंने बोला आंटी क्या हुआ, बस मैंने ये सवाल पूछा और वो 20 मिनट तक रोती नहीं। मैंने उन्हें बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से रोने दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके अंदर लगता है बहुत सारे आंसू भरे हुए हैं, उनको नलके से निकलने दीजिए। 20 मिनट के बाद जब वो चुप हुई, तब मैंने बोला आंटी क्या हुआ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरा एक बेटा है, वो अमेरिका में रहता है, बीवी है और एक बहुत छोटा क्यूट सा पोता है मेरा। आई सेड वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मेरा और कोई बच्चा है नहीं और वो रहते हैं दूर। साल में एक बार हम उनके पास जाते हैं, उन्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन छोटी 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 बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम्स हैं? उन्होंने कहा देखो बेटा, हमारे पास पैसा बहुत है और हम सारा पैसा उसी एक बेटे को देने वाले हैं, लेकिन बहू ना थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न है, हमारी बातें नहीं मानती। छोटा सा पोता है, उसको नैनी के हाथ में पकड़ा के सारा दिन बाहर घूमती है। अगर काम करती होती तो हम कहते कि अच्छी बात है, लेकिन काम नहीं करती, बेटा बेचारा नैनी के साथ पल रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम जब जाते हैं हम नैनी से बच्चा ले लेते हैं और उसको हम बहुत मज़े कराते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, खाना खिलाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, गप्पे मारते हैं, बड़ा इन्जॉय करते हैं। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर बेटा आप क्या बोलें, जो बहू है ना इज्जत नहीं करती, उसे अच्छा नहीं लगता कि हम पोते के साथ इतना सारा टाइम बिताएं और उससे सारी इम्पोर्टेंस हमें मिल जाए। फिर अब उसी वजह से उसके साथ लड़ाइयाँ होती हैं। फिर उसके साथ जब इतनी लड़ाइयाँ होती हैं तो बेटा भी क्या करे, उसे भी उसकी साइड लेनी पड़ती है। फिर बेटा फंस जाता है, एक तरफ मम्मी पापा और एक तरफ बीवी। अब सारा साल वो बीवी के साथ रहता है तो उसका साइड तो लेना पड़ेगा ना। हमें बहुत बुरा लगता है छोटे बच्चे के बारे में, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। दिल में बहुत फील होता है कि इतना दूर रहता है, एक दादा दादी हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता नहीं सकता, लेकिन उनके बारे में सोच सोच के मैं सारा दिन रोती रहती हूँ। मैंने बोला ठीक है, बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक ही बेटा है, एक ही बहू है और एक ही पोता है तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। मैंने बोला ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, मेरे से एक बहुत ही सिंपल बात कीजिए, मैं आपको एक सवाल पूछूंगी और आप सोच के मुझे ये बताइए कि आपको करना क्या है। उन्हें करना क्या है मतलब, मैंने बोला आपको आंटी लाइफ में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। बोलती है बेटा मैं इस उम्र में क्या मांग रही हूँ, पैसा भगवान ने बहुत दिया है और काम भी है तो मेरा टाइम तो आराम से बीत जाता है, मैं क्या मांग रही हूँ किसी से, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत, हम जाएं तो हमारे साथ मस्ती करें। तो मैंने कहा हाँ सिंपल सी बात है, आपको चाहिए इज्जत, आपको चाहिए प्यार, आपको चाहिए इम्पोर्टेंस, और जब आप कोई जगह छोड़ के आएँ तो आपको चाहिए कि आपको कोई मिस करे, है ना, चार चीज़ें और तो कुछ नहीं है। बहुत सोच के बोला नहीं और तो कुछ नहीं है। मैंने बोला आपकी ये जो नीड्स हैं अगर आप किसी और से फिल करवाएं तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा पोता है, इनसे ही तो नीड्स पूरी होंगी, मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन उनसे तो मैं क्या मांगू। मैंने बोला बात सही है, लेकिन ले दे के चाहिए आपको इज्जत और प्यार, है ना। बोलते हैं हाँ। तो मैंने बोला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक ऑर्फनेज है, आप कभी वहाँ गई हैं? मैंने नाम बताया ऑर्फनेज का, नहीं ऑर्फनेज तो नहीं गई। मैंने बोला ठीक है आप वहाँ आज जाइए, आज जा के उनके पास देखो कितने सारे बच्चे हैं, उस ऑर्फनेज में आज की डेट में 35 बच्चे हैं। आप वहाँ जाके उनको बोलो कि मैं यहाँ पे एक वॉलंटरी काम करना चाहती हूँ। बोलती हैं अच्छा फिर क्या होगा। मैंने बोला आप वहाँ जाएंगी तो आप 35 छोटे छोटे कपकेक्स लेके जाइए, 35 छोटे छोटे टॉयज लेके जाइए, और वहाँ आप ना सिर्फ टॉयज और खाना बांटिए लेकिन उन बच्चों के साथ बैठ के उनको कहानियाँ सुनाइए। उन्होंने पूछा बेटा ये करने से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। मैंने बोला आप ये समझ लीजिए कि इस हफ्ते का ये आपका होमवर्क है, एक हफ्ते बाद आप मुझसे आके मिलिए। उन्होंने बोला ठीक है। बड़ा सोचते सोचते वहाँ से निकल गई, एक हफ्ते बाद मेरे पास आई।
थोड़ी सी स्माइल बड़ी थी। मैंने बोला, आंटी जो आपको होमवर्क दिया था वो किया? बोलती हैं हाँ। मैंने बोला, आपने क्या किया? बोलती है, मैं ऑर्फनेज में गई, वहाँ पे करीब 40 बच्चे थे, अलग अलग उम्र के बच्चे थे बेटा, 2 साल से 11-12 साल तक। मैंने बोला, फिर आपने क्या किया? मैंने वॉलंटियर वर्क किया, मैंने कुछ बच्चों को ABC सिखाया, कुछ बच्चों को खाना सिखाया, कुछ बच्चों को टेबल मैनर्स सिखाए और कुछ बच्चों को पढ़ना सिखाया, और सबको मैंने शाम को बैठ के कहानियाँ सुनाई। मैंने बोला, तो क्या हुआ, अच्छा लगा? बोलती है, तुम मानोगे नहीं, 3 बार गई, जब लास्ट बार गई ना मैं, तो बच्चों ने मुझे वापस नहीं आने दिया। मैंने बोला, वापस नहीं आने दिया मतलब? मतलब कि मैं उनके पास 5 घंटे के लिए गई थी, मैं वापस आई 8:30 घंटे के बाद। मैंने बोला, वाह ये तो अच्छी बात है। इससे पहले कि मैं आंटी को कुछ कहती, उन्होंने खुद ही बोला, आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है सोनिका, तुम क्या कर रही हो। मैंने बोला, मैं क्या कर रही हूँ? तुम मुझे ये दिखा रही हो कि मेरे बच्चों के अलावा मुझे प्यार और इज्जत कहीं और से भी मिल सकती है। मैंने बोला, हाँ बात तो सही है, आपको मैंने ये बहुत क्लियरली पूछा था, आपकी क्या ज़रूरत है, प्यार इज्जत की, है ना? ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार और वो इज्जत आपको सिर्फ आपका बेटा बहू या पोता दे। प्यार और इज्जत देने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, प्यार मांगने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखते हैं और उन्हीं कुछ गिने चुने लोगों से हम वो प्यार और इज्जत मांगते हैं, इसलिए कई बार डिसअपॉइंटमेंट होती है। प्यार और इज्जत आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके दिल में इतना सारा प्यार है और इतना कुछ करने की चाहत है, इतनी उम्र में भी आपके आगे बहुत टाइम है, आप क्यों ना वही प्यार और इज्जत कहीं और से मांग के देखें। जो ऑर्फनेज में आप जाते हैं उसके जो बच्चे हैं वो प्यार के मोहताज हैं, उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं, और आप ऐसे हैं कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप में प्यार करने की इतनी क्षमता है, तो ये हो गया ना A meets B। जरूरी नहीं है कि सी से ही हमको प्यार चाहिए। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।